नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और आइए अब नजर डाल लेते हैं छिंदवाड़ा से जुड़ी आज की प्रमुख खबरों पर। विधायक चौधरी चंद्रमान सिंह के मुख्य आतिथ्य में आज कलेक्टर कार्यालय के सामने जिला स्तरीय स्वरोजगार हितग्राही सम्मेलन और अंत्योदय मेला संपन्न हुआ। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 22,927 हितग्राहियों को लाभान्वित करते हुए 44,04,00,000 रुपए की राशि का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बुधनी से सीधे प्रसारित उद्बोधन को बड़ी संख्या में आमजन ने सुना और देखा। इस दौरान विधायक चौधरी चंद्रभान सिंह ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश में सभी क्षेत्रों में अद्भुत कार्य किए जा रहे हैं और उन्होंने प्रदेश को एक रोल मॉडल के रूप में देश में स्थापित कर दिया है। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष कांता ठाकुर, निगम महापौर कांता सदरंग, विधायक नानाबाव मोहोड़ और नत्थन शाह कवरेती, कलेक्टर वेद प्रकाश, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रोहित सिंह, नगर पालिक निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र मिगलानी और जिला पंचायत उपाध्यक्ष शालेंद्र रघुवंशी अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। भारिया विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष उर्मिला भारती की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में भारिया विकास प्राधिकरण की बैठक संपन्न हुई। बैठक में भारती ने भारिया लोगों के विकास और कल्याण से संबंधित विकास परक गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशानुरूप विशेष पिछड़ी जनजाति भारियाओं के उत्थान के लिए प्राथमिकता से कार्य किए जाएं, उन्हें उज्ज्वला गैस वितरण किया जाए, साथ ही क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर की जाएं। जिला हॉस्पिटल की बिगड़ती हालत को देखते हुए आज कलेक्टर वेद प्रकाश और निगम कमिश्नर इक्षित गढ़पाले ने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल परिसर में फैली गंदगी को देखकर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की, साथ ही चिकित्सा अधिकारी को अस्पताल में सफाई करवाने के निर्देश दिए। आज सुबह सुभाष कॉलोनी में दुकानों की चेकिंग के दौरान ओम जनरल एंड डेली नीड से विभाग ने प्रतिबंधित पॉलिथिन जब्त की। इस दौरान करीब 1 किलो प्रतिबंधित पॉलिथिन जब्त की गई। वहीं अन्य दुकानों पर पॉलिथिन का उपयोग न करने की सलाह भी दी गई। फ्रेंडशिप डे पर सभी अपने दोस्तों को फ्रेंडशिप बैंड बांधते हैं, लेकिन अंजनिया के महात्मा गांधी वार्ड के निवासी और बच्चों ने एक अच्छी पहल करते हुए पेड़ों को अपना दोस्त बना लिया है और उन्हें रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। उन्होंने बताया कि वास्तव में पेड़ पौधे ही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। वह हमें प्राण वायु देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं, हम उन्हें शुक्रिया कहें या ना कहें, वह अविरल अपना कार्य करते रहते हैं। ऐसी दोस्ती तो इंसान कभी कभार निभाता है। पेड़ों के साथ क्या करोगे? दोस्ती करोगे और पेड़ उगाओगे। इस बुलेटिन फ्लैट नहीं, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।